दोस्तों सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है। हिमालयन पीक्स के नीचे ये है फॉग जो कि बढ़ रहा है मध्य महेश्वर की तरफ, और मंदिर से मैं काफ़ी हाइट में आ गया हूँ। मुझे जाना है चढ़ते हुए इस टॉप में, कहीं वहाँ पर है बूढ़ा मध्य महेश्वर मंदिर। अबव द क्लाउड्स, यस आई एम। ये देखिए क्या नज़ारे हैं, स्वर्ग कहूँ तो वो भी कम पड़ जाए। एक तरफ है पूरे बादल और दूसरी तरफ है हिमालयन रेंज। दोस्तों मेरे अलावा है यहाँ पे बहुत सारी भैंसें हैं जो मुझसे बात करने के लिए आ गई। क्या चाहिए? अरे हाथ नमकीन हो रहा होगा, खा लोगे? चलो उधर। दोस्तों ट्रैक का बिहाइंड सीन कुछ ऐसा होता है, हम लोग ट्रैक पे मेहनत तो करते ही करते हैं, उसके बाद अपना जो स्टे का है वो है, हर कुछ ऐसे करते हैं। दीपक भाई सही हो रहा, बढ़िया बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ द्वितीय केदार मध्यमेश्वर मंदिर के। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में 11,500 फीट पर हिमालय की गोद में बसा यह मंदिर जो है पंच केदार मंदिरों में दूसरे नंबर पर आता है। मध्यमेश्वर मंदिर पहुंचने के लिए आपको एक लंबा रूट ट्रेवल करके पहुंचना होता है रांसी विलेज। रांसी विलेज से 15 किलोमीटर का कठिन ट्रैक करके पहुंचना होता है मध्यमेश्वर मंदिर। दोस्तों अगर आप भी मध्यमेश्वर मंदिर आ रहे हैं तो यहाँ पर जो बूढ़ा मध्यमेश्वर मंदिर है वहाँ पर भी ज़रूर से विजिट कीजिएगा। बूढ़ा मध्यमेश्वर मंदिर जो है ये मेन मध्यमेश्वर मंदिर से 2 किलोमीटर का ट्रैक करके यहाँ पर पहुँचा जाता है। और जो ये मंदिर है ये घास के मैदान के बीच में एक छोटा सा मंदिर है, और बूढ़ा मध्यमेश्वर जो है पंच केदार मंदिरों का ही एक हिस्सा माना जाता है। यहाँ से हिमालय की चौखंबा पीक को बहुत ही नज़दीक से और साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से नंदीकुंड, ढोला ढोला खंबा, तिंगरी बुग्याल बहुत सी चोटियों को यहाँ से देखा जा सकता है। दोस्तों सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है, हिमालयन पीक्स के नीचे ये है फॉग जो कि बढ़ रहा है मध्य महेश्वर की तरफ, और मंदिर से मैं काफ़ी हाइट में आ गया हूँ। मुझे जाना है चढ़ते हुए इस टॉप में, कहीं वहाँ पर है बूढ़ा मध्य महेश्वर मंदिर। तो ये पूरा खड़ी चढ़ाई वाला ट्रैक है ऊपर को। अबव द क्लाउड्स, यस आई एम। ये देखिए क्या नज़ारे हैं, स्वर्ग कहूँ तो वो भी कम पड़ जाए। एक तरफ है पूरे बादल और दूसरी तरफ है हिमालयन रेंज। क्या बात है, सुबह का नज़ारा बूढ़ा मध्यमेश्वर से, और इतनी शांति में अकेले यहाँ पर होना, ये तो किस्मत वालों को मिलता है। दोस्तों हिमालय की चौखंबा पीक के दर्शन में कराने जा रहा हूँ। पानी के रिफ्लेक्शन में ये बहुत सारी जगहें मैंने घूमी है, बहुत सारे ट्रैक मैंने किए हैं, बहुत सारे हिमालयन पीक्स भी मैंने देखे हैं, लेकिन बूढ़ा मध्यमेश्वर में आके रेंज को इतना जो इस कुंड में देख पाना, चौखंबा का रिफ्लेक्शन बन रहा है वो देखकर तो, और यहाँ पे अभी मेरे जो साथी हैं वो हैं, ऐसा नजारा मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा सच में। हैं कुछ नहीं लाऊं मैं, जाओ घास खाओ घास। हैं कुछ कहना चाह रहे हो? हैं कुछ कहना चाह रहे हो? सुबह का नज़ारा देखने लायक है, क्या बात है ना। देखो ये
टाइमली बूढ़ा मध्यमेश्वर के दर्शन करने के बाद अब मैं वापसी कर रहा हूँ मध्यमेश्वर मंदिर के लिए। आरती से पहले मुझे वहाँ पे पहुँचना होगा। 7 बजे फिर से सुबह कपाट खुलते हैं। अभी हो रहा है 6:30। ऊपर चढ़ते हुए तो आधे घंटे में आ गया था, नीचे तो 15 मिनट लगेंगे। सो टाइमली हम जल चढ़ा रहे होंगे और उसके बाद हो रही होगी आरती और उसके बाद 3rd केदार। तो बैक टू बैक सीरीज रहने वाली है। आई होप कि मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे पा रहा हूँ, काम की इन्फॉर्मेशन। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे फॉग पूरा ढक दिया है, आप 10 मीटर में भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए कहीं पे भी आप जा रहे हैं हिमालयन रेंज अगर आपने देखनी है तो बिल्कुल टाइमली आपको उठना पड़ेगा। देखो कष्ट तो उठाने पड़ेंगे, यहाँ आके भी सोना ही है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए टाइमली कीजिए दर्शन और टाइमली कीजिए ध्यान तो सब कुछ अच्छा मिलेगा। अभी निकलता हूँ नीचे और करता हूँ पूजा पाठ, फिर चलेंगे आगे। चलिए दोस्तों, मध्यमेश्वर मंदिर में भगवान शिव की नाभि यानी मध्य भाग की पूजा की जाती है और मध्यमेश्वर मंदिर में भगवान शिव के बैल रूपी अवतार की नाभि यहाँ पर प्रकट हुई थी। एक और मान्यता के अनुसार यहाँ की सुंदरता को देखते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने मधुचंद्र रात्रि यहीं बिताई थी, इस कारण से भी इस स्थान की महत्ता बढ़ जाती है। मध्यमेश्वर मंदिर के अंदर नागल के आकार का शिवलिंगम और अर्धनारीश्वर आदि शिव और आदि पार्वती की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है और मंदिर जो है नवंबर से अप्रैल तक यहाँ पर बंद रहता है और मिड अप्रैल से मिड अक्टूबर तक यहाँ पर मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। मध्यमेश्वर घूमने के बाद आरती हो गई है, मंदिर में पूजा पाठ हो गई है, अब टाइम है 3rd केदार जाने का। तो बहुत ही शांति हमें यहाँ पे मिली है, मंदिर में आके अच्छे से दर्शन हुए हैं, जल चढ़ाने को मिला है। अब देखते हैं आगे भोलेनाथ का आशीर्वाद कितना रहता है और जो अगले केदार हैं वहाँ पहुँचने में कितना हमें टाइम लगता है और कैसे हमारा वहाँ पर अच्छे से दर्शन हो पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2nd केदार के दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं 3rd केदार के लिए। तो ये थी हमारी मध्यमेश्वर यात्रा जिसमें हमने टोटल 15 किलोमीटर्स का ट्रैक है रांची विलेज से आपका मध्यमेश्वर मंदिर तक और 2 किलोमीटर का बूढ़ा मध्यमेश्वर। तो टोटल यात्रा की अगर बात की जाए बोथ साइड 34 किलोमीटर्स ही पड़ने वाला है। आइए, बहुत अच्छा है, बहुत शांति से दर्शन हुए। और दीपक भाई, आर यू रेडी फॉर स्लाइड डाउन? अभी उतरना है, कल चढ़े थे आज उतरना है। तो दोस्तों आज ही हम जा रहे हैं सेम डे में तुंगनाथ और 6 दिन में हमने ये 5 केदार जो है पूरे कंप्लीट करने हैं, ये प्रण लिया है। मौसम अभी तक बिल्कुल शांत दे रहा है और भोलेनाथ का आशीर्वाद वो तो आपको पता ही चल रहा है वीडियो देख के कि कितना हमारे ऊपर बना हुआ है। तो अभी चलते हैं, उतरते हैं रांची और फिर मिलते हैं तुंगनाथ वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, ट्रैक का बिहाइंड सीन कुछ ऐसा होता है, हम लोग ट्रैक पे मेहनत तो करते ही करते हैं, उसके बाद ना जो स्टे का है वो है, हर कुछ ऐसे करते हैं। दीपक भाई सही हो रहा, बढ़िया बनाना है, यहाँ आज की भुजी है रोटी के साथ।